नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 18 सितंबर को पहुंचेगी सागर। मध्य प्रदेश में राज्य के नागरिकों के बीच विकास का संदेश। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। सागर जिले में 18 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। यात्रा देवरी विधानसभा क्षेत्र से सागर जिले में प्रवेश करेगी और 3 दिनों तक जिले में रहेगी। इस यात्रा के दौरान यात्रा सागर जिले के 8 विधानसभाओं के 400 से अधिक गाँव से गुजरेगी और करीब 287 किलोमीटर का पैरों द्वार करेगी। यहां तक कि इस यात्रा में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसके अलावा यात्रा के दौरान जिले में करीब 12 रथ सभाएं और 5 मंचीय सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। 18 सितंबर को यात्रा का पहला दिन होगा और इसका आगाज देवरी विधानसभा क्षेत्र से होगा। यात्रा ने प्रदेश के नगरों और गांवों को अपने सशक्त समर्थकों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। 19 सितंबर को खुरई बीना पहुंचेगी यात्रा। इस यात्रा की दूसरे दिन यात्रा खुरई और बीना जिले में पहुंचेगी। इस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद 20 सितंबर को यात्रा बंडा में शुरू होकर दमोह जिले में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की सरकार में बदहाल था मध्य प्रदेश। इस यात्रा के मूल्यांकन से पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा दिखाया। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि बीते दशकों में भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार के कामों की सूची देते हुए कहा कि वर्ष 2003 के पहले प्रदेश बदहाल था। सड़कें गड्ढों में बदल गई थीं, बिजली आती जाती रहती थी और आम जनता के लिए शासकीय सुविधाएं प्राप्त करना कठिन था। शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्वयं बीमार थीं और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अच्छी तरह से सेवाएं नहीं मिलती थीं। कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, जिसके कारण लोग परेशान थे। भाजपा की यह आंदोलन और यात्रा उनके प्रदेश में अपने विकास और सुधार के संदेश के साथ आते हैं और उन्हें अपने नेताओं के साथ जुड़कर अपनी आवश्यकताओं और मांगों को साझा करने का मौका देते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के बीच भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों को समझाना और उनके संदर्भों को सुनाना है, ताकि उनकी मांगों को सुना जा सके और उनके साथी समर्थकों के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए कदम बढ़ा सके। इसी तरह भाजपा अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्राओं का आयोजन करती है और उनकी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास की दिशा में सामूहिक उत्साह और समर्थन बढ़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।